टू मारा ब्लॉग्स। तो शाम के 5 बज गए हैं और 5 बजे हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है, क्योंकि सुबह से हम सोच रहे थे कि ब्लॉग को स्टार्ट किया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिला बेबी के साथ। और बेबी की तरफ से भी हेलो। आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारी बेबी 8 मंथ्स की हो गई है और हम बहुत ही खुश हैं। तो हमने सोचा एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है, तो देखते हैं, एक छोटा सा केक लेकर आएंगे बेबी के लिए प्यारा सा, और केक कटिंग करेंगे। यस। सो गाइज, यहाँ मैंने बेबी को बिठा दिया है कि थोड़ी देर खेल लेगी, लेकिन कहाँ खेलना है, ऐसी शरारतें करने लगी है। बस जो भी चीज़ हाथ लगे ना, उसे बस पकड़ के खड़ी होना स्टार्ट कर दिया। देखिए, अभी यहाँ कैबिनेट को पकड़ लेगी और खड़े होने की कोशिश करेगी, तो मुझे हर वक्त ना डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। हर वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ता है जब मैं खाना बनाऊँ या कुछ भी करूँ। देखिए, या फिर ना ये नीचे से सामान जो है निकाल निकाल के फेंकना बच्चे शुरू कर देते हैं, तो वही सब ये बेबी मेरी कर रही है। तो ये मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, देखिए ये टेबल के नीचे आ जाती है आराम से और बस यहाँ पे बैठ जाएगी और पिकअप वो करती है हमारे साथ। बब्बू बब्बू, हेलो, से हेलो। और ये देखिए, अब जब सर जो है ना वो टच होता है टेबल से, तो फिर रोना स्टार्ट कर देगी, मुझे निकालो निकालो। सोनू बाहर आ जाओ, बब्बू बाहर आ जाओ, सोनू कम आउटसाइड बेटा, कम आउटसाइड बेटा, सोना। तो यहाँ रवि भी रेडी हैं, लेकिन बेबी का बैंड उतर गया है तो बस वही लगा रहे हैं। हाय। हाँ बाबू, क्या हुआ, क्या हुआ? चोनू, चोनू, चले फिर, केक नहीं मिलेगा, शॉप बंद हो जाएगी। चलो चलो, रेडी है, मायरा भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, चलो लेट्स गो, लेट्स गो। तो लेट बहुत हो गया है, जल्दी करो, क्या कर रही हो? बस यार मैं ब्लैंकेट ले रही हूँ, पिछली बार ना ले जाना भूल गए थे। बस मैंने हेडफोन भी ले लिया, अगर मम्मी का फोन आएगा इंडिया से तो बात तो कर लेंगे। या वो मेन डोर चेक कर लिया आपने, बंद है सब? सब बंद है, मैंने चेक कर लिया। चलो जल्दी चलो। डमी 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 डमी, जब देखो डमी डमी मामी मामी, डमी मम्मी डमी मम्मी 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 मम्मी। और बस अब घर से निकल चुके हैं और रास्ते में हमें अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल गया है। शाम के टाइम तो खासकर इस तरह से बिजी होता ही है। तो रवि, पहले केक लेना है या ग्रोसरीज लेनी है? कौन सी ग्रोसरीज? इंडियन ग्रोसरी? इंडियन, हाँ जी। ऐसे करते हैं, पहले इंडियन ग्रोसरी चलते हैं, क्योंकि अगर केक पहले ले लिया तो हो सकता है तब तो मेल्ट हो जाए, खराब हो जाए। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी शॉप्स जो है 8 बजे तक खुली हैं, तो लगभग 8 बजे तक केक पिक कर लेंगे आराम से, और तब तक हम घर भी चले जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले इंडियन ग्रोसरी चलते हैं। हाँ ठीक है। वैसे ना, वैसे काफी दिन से मैं सोच रही थी इंडियन ग्रोसरी जाने का, तो टाइम ही नहीं मिला, तो चलो आज चलते हैं, फाइनली घर से मुश्किल से तो निकला जाता है। तो आज मैंने सुबह सुबह चाय पीना, तो चाय भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बिस्किट भी नहीं थे हनी खाने के लिए आज। हाँ, मुझे भी नहीं मिले यार। आपको भी नहीं मिले बिस्किट? ना ना, कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं, तो मिलता कहाँ से? सुबह सुबह आप अर्ली चले जाते हो ना काम से, तो कुछ भी नहीं है ना, सोया चंक्स, कोई नमकीन, कुछ भी नहीं है, घी तक खत्म है। और यहाँ देखिए, अमायरा भी सो गई है, क्योंकि चलती गाड़ी में ना उसे अच्छे से नींद आ जाती है। ठीक भी है, थोड़ा सो लेगी ना तो बाद में फिर तंग नहीं करेगी, तो ठंड लग रही होगी तो मैंने उसे ब्लैंकेट दे दिया है। सामने फोटो देख के मेरा तो बर्गर खाने का मन हो गया है। अभी बर्गर खाना? तो वापसी में खा लेंगे। हाँ, वापसी में खा लेंगे। तो पहुंच गए हैं और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं ग्रोसरी के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हम ले सकते हैं घर के लिए। ये क्या हो रहा है भाई? मैं कप देख रही हूँ चाय वाले, जब इंडिया जाओ ना तब ऐसे वाले नहीं मिलते। अच्छे लग रहे हैं ना ये डिजाइन? हाँ, लग तो अच्छे, और अच्छा स्पेस भी अच्छा है, काफी अच्छे लग रहे हैं। और देखना डिजाइन, और देखो एक दो और देख लो, ये भी साफ सेम है साफ का, ये वाला भी लेने तो हम ग्रोसरी आए थे। मुझे अच्छा लग रहा है, चलो ठीक, ये वाला सेट ले लो, ले लो ले। अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ जी, कौन सा वाला केक लेना है? ब्लैक फॉरेस्ट, ये वाला पाइन एप्पल है। कौन सा वाला? ये वाला, अगर पाइन एप्पल नहीं लेना है तो फिर ये ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। हाँ, थर्ड नंबर पे जो, कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो ब्लैक फॉरेस्ट अच्छा लग रहा है, तो वही ले लो। कुछ स्वीट्स लेने? स्वीट्स भी ले लो। कौन सा फेवरेट है आपका? मेरे को तो ये खानी है, काजू कतली, ये वाली, ये पिंक वाली। ओके, सो उन्होंने बोला था कि बेल मार देना जब ऑडियो, जब रेडी हो गया ऑडियो। सो ये वाला केक,
ब्लैक फॉरेस्ट। ले लिया मैंने मोतीचूर के लड्डू। हमारा हमारा ने तो नहीं खाना कोई स्वीट्स बाबू, कौन से चीज खानी। यहाँ गए हैं रवि केक की पेमेंट करने के लिए। केक खरीदने के बाद हम केक को ना फ्रीज़र में ही रखवा देंगे, और जब बाकी की ग्रोसरी वगैरह सब डन हो जाएगी तो जाते वक्त हम केक जो है वो यहाँ से पिक कर लेंगे। क्या ले रहे अभी? पापड़, कौन सा पंजाबी मसाला और एक राजवाड़ी, तो मेरे फेवरेट हैं वो जो आते हैं चिली टाइप नहीं आते हैं थोड़े से, कौन से वाले? वो राजवाड़ी तो बहुत अच्छे होते हैं। आपने ऐसा तो सब ले लिया अपना सामान, मेरे लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो आप मेरे स्नैक्स ले लो प्लीज। आप अपने फेवरेट स्नैक्स ले लो। ना स्नैक्स ले दो, मेरे को बहुत भूख लगी। कहाँ पे? ये चिप्स जरूर ले लो। रीत ऐसा करो, वो रोस्टेड चने ना, रोस्टेड चने। हाँ हाँ वो लेने। ये वाले? हाँ ये वाले। ये भी है इधर लगे, रोस्टेड सॉल्टेड काबुली चना। एक ही बात है, काबुली चने हैं वाले। कौन सा मर्जी ले, एक ही बात है। ये क्या बना दिया? ट्रॉली बड़ी ली थी लेकिन सामान ही ज़्यादा हो गया। सो गाइस, सामान हो गया ज़्यादा तो अब बड़े ट्रॉली में शिफ्ट हो रहा है। रानी आपने ये क्या ले लिया? बाहर ले जी, बचपन में यही तो खाया है। हाँ मैंने भी मैंने भी खूब अच्छा लगता। हाँ और मैंने ना ये वाली बूंदी ले ली है, तो अगर आप बोलो तो प्लेन वाली छोड़कर दूसरी पुदीना बूंदी ले लूँ क्या? यही ठीक है, ये बढ़िया लगी, अच्छी लगती है ये वाली। सो गाइस, हमने ट्रॉली ली भर ऑलमोस्ट, बट अभी भी बहुत सारा सामान है जो लेना बाकी है। नमकीन ले लूँ यार एक पैकेट। नमकीन कौन सी वाली? इतनी वैरायटी लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लें। सोया चंक्स कहाँ पे हैं? ऐसा करो आप यहाँ नमकीन देखो जरा, मैं जरा जा रहा हूँ देसी घी ले। ओके ओके, फाइनली ढूंढ लिया मैंने अपने फेवरेट शक्कर पारे और सोया स्टिक्स, और यहाँ मैंने इस तरफ ना इमली भी रखी है ढूंढ करके, ये वाली इसकी चटनी बनाएंगे। ठीक है डन। हमारा आपको क्या लेना है? बेबी बोर हो रही है, क्या लेना आपको? हेलो बोल दो। बेबी बोर हो रही, कितना टाइम लगा रहे शॉपिंग को बाबू। तो फाइनली आ गए हैं चेकआउट पॉइंट पर, और बस अब चेकआउट कर लेंगे, और क्योंकि जब सामान ज़्यादा हो तो टाइम भी ज़्यादा ही लगता है, तो छोटे छोटे आइटम्स जो हैं वो सबसे पहले कर लेंगे और जो बड़े आइटम्स हैं वो लास्ट में करेंगे। बेबी ने भी खूब सी रौनक देख ली है यहाँ पर, और अब थक गई है, 2 से 3 घंटे तो हमें लग गए यहाँ पर शॉपिंग करते हुए, तो जब बल्क में सामान लेना हो तो टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है। सामान तो अपने इतना भर दिया, प्रेम कहाँ रखेंगे? नहीं, आगे सीट खाली है एक, ठीक है? हाँ आगे रख देंगे। कैसा लग रहा बाहर आके? अच्छा लग रहा है। सो गाइज, एक बात बताऊँ ना, क्योंकि हम लोग ना जस्ट हम लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, तो ऐसे पब्लिक प्लेस में बड़ा शाय फील होता है ना। हाँ मेरी तो कई बार आवाज़ ही नहीं निकलती। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी अजीब सा थोड़ा लगता है, क्योंकि सब लोग नोटिस करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी स्टार्ट करा है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, है ना? हाँ वो तो है। फेस भी नहीं क्लियर आ रहा। बात हो गई है ना। कुछ खाना है यहाँ से बाहर से या घर बनाना जाके? मैं सोच रही हूँ फिर किसी दिन आ जाएंगे अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है बाहर, तो अभी बच्चा भी परेशान हो रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं। किसी और दिन आ जाएंगे, घर पे चलते हैं, अच्छा सा खाना खाएंगे। हमारा ठीक है? हमारा ठीक है बाबू, हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर काफी ये होलसेल है ना, जहाँ से हमने सामान खरीदा? होलसेल। तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं ना? हाँ, काफी बिजी रहता काफी है, काफी आते हैं, तो प्राइसेस में भी थोड़ा फर्क है ना दूसरी शॉप से। हाँ, होलसेल के रेट्स में तो फर्क रहता है, तो जो अपने घर के पास है रिटेल वो तो थोड़ी देखा है, रेट्स थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये थोड़े जेन्युइन रेट है उसके, तो यही आ जाया करेंगे यार। हाँ एक ही बार ले लिया, अभी टेंशन नहीं है, 3-4 हफ्ते ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं अभी हमने लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का तो ले ही लिया है, क्योंकि मसाले है, दाल वगैरह चलो। यहाँ रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि गाड़ी में फ्यूल डालने वाला है,
तो बस यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। फ्यूल डाल लो गाड़ी में, किचन का कुछ भी काम है, कुछ भी, कोई भी डोमेस्टिक हेल्प ना यहाँ पे मिलती ही नहीं है। काफ़ी रात हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हमें सुबह अर्ली उठना होता है, तो बेबी भी टायर्ड हो रही है। बस अब हम घर जा रहे हैं, तो घर पर जाके डिनर करेंगे, अदरवाइज़ अगर हम यहाँ बाहर खाने लगते तो हमें बहुत टाइम लग जाता। तो बस घर जाएंगे, खाएंगे और आराम करेंगे। जी रीत, क्या चल रहा है? तो यहीं पड़ा सब। मैं लड्डू टेस्ट कर रही हूँ, काफ़ी स्वाद अकेले है। अकेले आप भी खाओ, मेरे को भी दो एक, आप भी खाओ, काफ़ी स्वाद बस है, दो एक। काफ़ी स्वाद है लड्डू। काफ़ी दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी कि ये बूंदी के लड्डू खाऊं, फाइनली आज मैंने ले ही लिए। घर आने के बाद मैंने ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान सेट करा और फटाफट से बूंदी निकाली, दही मिक्स करके मैंने रायता बना लिया। दिन में ना मैंने दाल बनाई थी लंच में, तो बस वही रहेगी साथ में, और मैंने एक पनीर भुर्जी साथ में थोड़ी सी बना ली है, और बस यही सब रहेगा आज के डिनर में। और भूख भी ना जोरों से लगी है, जब इस तरह से भूख लगी हो ना तो खाना और भी स्वाद लगता है। सो गाइस, बस अब घर आ गए थे और कपड़े वगैरह चेंज करके खाना प्रेप करा, और क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, 8 साढ़े 8 बजे तो हम घर पहुंचे, तो बेबी भी सो गई है, अब वो घर आते ही सो गई थी एक्चुअली। और आज ना केक कटिंग का जो हमने सोचा था सेलिब्रेट करेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्ची भी सो गई है, तो अब काफ़ी रात भी हो गई है, तो अभी तो मैंने खाना वगैरह प्रेप करा, आगे तो रात के 10 बज रहे हैं, तो केक कटिंग जो है वो हम कल करेंगे। सो गाइस, ये था आज का ब्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर करा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।